ज संकट जी रीते जोशी मठ में मकानों अने होटेल में तिराड़ पड़ी गई थी तेवी ज स्थिति पहाड़ों वच्चे आवेला डोडा जिल्ला में सामे आवी रही छे। डोडाना नई बस्ती गामना 18 थी वधु मकान में तिराड़ पड़ी गई छे। 3 मकान धराशायी थई गया छे। असरग्रस्त परिवारों ने सुरक्षित जगह खसेड़वानी फरज पड़ी छे। आ घटना की जाण थता ज जियोलॉजिकल सर्वे की टीम आ गाम पहुंची थी। दिल्ली थी आवेली आ टीम तपास कर रही है कि आखिर तिराड़ो पड़वानुं कारण शुं होई शके छे। टीवी 9 ની ટીમ પણ ગામની સ્થિતિ જાણવા પહોંચી ગઈ છે। डोडा के ठाठरी के नई बस्ती इलाके में हम मौजूद हैं। उन घरों की तस्वीर आप दिखाएंगे जहां पर दरारें आई है। तकरीबन 18 ऐसे घर हैं जहां पर दरारें आई है। ये टीवी 9 भारतवर्ष पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किसी भी वक्त ये घर जो है वो ढह सकता है ताश के पत्तों की तरह। अब तक 3 घर जो है, 3 परिवार जो है वो इस वक्त शोक में है क्योंकि उनके 3 क्योंकि उनका घर जो है, उनका आशियाना जो है वो अब नहीं रहा। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से दरारें जो है वो यहाँ पर पड़ी है। रेड जोन जो है वो इस इलाके को बनाया गया है। ये स्पोर्ट्स क्लब है और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से दरारें जो है इस घर के अंदर आई है, इस स्पोर्ट्स क्लब के अंदर आई है। लगातार प्रशासन की तरफ से लोगों को अपील की गई है कि इस इलाके में ना आए। ये वो इलाका है जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से दरारें जो है वो लगातार आ रही हैं, और चाहे वो रोड हो, चाहे वो रिहायशी इलाके हो, या फिर ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो दरारें हैं वो पड़ती हुई नजर आ रही हैं। जोशी मठ के बाद अब यहाँ पर ठाठरी के नई बस्ती इलाके में इसी तरीके से यहाँ पर जो दरारें हैं वो आई है। लगातार जो प्रशासन है वो यहाँ पर लोगों को अपील कर रही है कि इस इलाके में ना आए। वहीं दूसरी तरफ जियोलॉजिकल टीम जो है वो यहाँ पर ये पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इस इलाके में ऐसा क्या हुआ कि लोगों के आशियानों में भी अब दरारें आना शुरू हुई है। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, टीवी 9।